नमस्कार मित्रों, आज हम बनाएंगे हरी मिर्च का अचार। तो उसके लिए लिए मैंने ये मीडियम साइज की हरी मिर्च, एक इससे तीखी वाली जो हम सब्जी में डालते हैं वो आती है, एक इससे बड़ी भी आती है मोटी वाली, तो मैंने ये मीडियम वाली ली है। इनको साबुत धो के मैंने 2 घंटे धूप में रख दिया जिससे कि ऊपर का पूरा मॉइस्चर इनका अच्छे से सूख जाए। और अब इसको ऐसे ही साबुत धो के सुखाने के बाद बीच में से कट लगा देती हूँ चाकू से। तो मैंने इन सभी मिर्चों को बीच में से चाकू से काट लिया। तो अब हम मसाला तैयार करते हैं। तो ये मैंने लिया है 2 छोटे चम्मच जीरा, और ये लिया है मैंने 2 बड़े चम्मच राई। सबसे ज्यादा जरूरी सौंफ और धनिया है। तो ये लिया है मैंने मिर्च के हिसाब से, क्योंकि मिर्च मेरी 1 किलो है। तीन बड़े चम्मच सौंफ और 3 बड़े चम्मच धनिया। और इसमें अब हम लेंगे हल्दी। दो चम्मच हल्दी काफी है, क्योंकि मिर्च ज्यादा तीखी नहीं है, तो इसके लिए थोड़ी सी, ये तेज वाली मिर्च है, रंग वाली नहीं है, तो मैं 1 चम्मच मिर्च। और अब इसके बाद हम लेंगे नमक। तो नमक भी हम लेंगे अपने, क्योंकि मिर्चों में तो नमक है नहीं, तो 2 बड़े चम्मच नमक मैं ले रही हूँ 1 किलो मिर्चों के हिसाब से, आप अपने अकॉर्डिंग नमक ले सकते हैं। और अब हम इन मसालों को मिक्स करेंगे ऑयल से। अगर आपकी मिर्च तीखी है तो आप उसमें लाल मिर्च न डालें। हल्दी को उतना ही रखें। भरने के बाद अगर आपको कम पड़ जाता है मसाला तो आप थोड़ी सी सौंफ और धनिया और मिला लें नमक के साथ, फिर आप उसको भरें। और हम इसमें अचार में कच्चे ही मसाले भरते हैं, हम भूनकर मसाले नहीं भरते। कुछ लोग भूनकर डालते हैं, उससे स्मेल का अंतर हो जाता है, हमें कुछ खुशबू जो है कच्चे मसालों की अच्छी आती है, काफी टाइम वो अचार चलता भी है। पानी की वजह से अचार जल्दी खराब हो जाता है, इसीलिए मिर्चों को अच्छे से धो के धूप में सुखा देते हैं। नमक थोड़ा कम लग रहा है, थोड़ा नमक और डाल दूंगी क्योंकि हमारी मिर्च 1 किलो के करीब है। क्योंकि आप जब मसाला तैयार कर लें तो मसाले में नमक थोड़ा तेज होना चाहिए, क्योंकि वो मिर्च में जाएगा, मिर्च में तो मसाला है नहीं। एक बार मसाला तैयार हो जाए, 3 चम्मच हल्दी भी चली गई, 3 चम्मच धनिया, 3 चम्मच सौंफ, बड़ा चम्मच। नमक आप अपने स्वाद के अकॉर्डिंग रखें। इसको अच्छे से धीरे धीरे ऑयल डाल के मसाला तैयार करेंगे, न ज्यादा पतला न ज्यादा गाढ़ा, क्योंकि मसाला मिर्च में रुक जाए अच्छे से। तेल भी हम घर का यूज करते हैं, सेलर से मंगाते हैं, उससे तेल खराब होता है, कभी कभी अचार को खराब कर देता है। तो ये पेस्ट तैयार है बिल्कुल जैसा हमें चाहिए। और अब हम इसमें फिलिंग शुरू कर देंगे मिर्चों की। अब हम इस तरीके से इसको फिल कर देंगे, बस एक एक उंगली से थोड़ा थोड़ा फिल करते जाएंगे, और 5-7 दिन में ये अचार खाने लायक हो जाएगा। प्लेट में रख दीजिए। और फिर क्योंकि इसमें राई पड़ी हुई है तो खटाई के लिए बहुत से लोग अमचूर का इस्तेमाल करते हैं, तो
आप इसके लिए राई का यूज कीजिए। राई जो है 8 दिन के अंदर अंदर, 5-7 दिन में ही बल्कि अचार को पूरा खट्टा कर देगी। तो आपको इसमें कोई अमचूर वगैरह डालने की जरूरत नहीं। थोड़ी कम फिलिंग करो, ज्यादा बोलिए। इस तरीके से हम सारी मिर्चों को इस मसाले से फिल कर लेंगे। नमक थोड़ा तेज ही रखना है, क्योंकि नमक अगर तेज नहीं होगा तो मिर्च में तो कोई नमक नहीं है। हम आम का अचार डालते हैं तो उसमें हम एक्स्ट्रा नमक ऊपर से पहले उसको लगाकर रख देते हैं धूप में, तो कम नमक डालते हैं मसाले में। इसमें थोड़ा मसाला आप चेक कर लें खाके, तो थोड़ा चटक होना चाहिए, वही मिर्च में अच्छा लगेगा, खराब नहीं होता। बस आप इसको नमी से जरूर बचाएं। इसी तरीके से हम सारी मिर्चों को फिल कर लेंगे। तो ये हमारा अचार रेडी हो गया है बिल्कुल। अब ये जब पूरा डब्बा भर जाएगा तो हम इसमें ऊपर से थोड़ा सा तेल और ऐड कर देंगे, ज्यादा नहीं, बस 1.5 चम्मच तेल डाला है मैंने। बस अब आप इसको, आपको धूप में रखना है कल को। मैं इसको धूप में रखूंगी, 2-1 बार इसको धूप में रखना है और हफ्ते भर बाद ये खाने लायक हो जाएगा। देखिए अचार रेडी हो गया मिर्च का, बहुत अच्छा लगता है ये पराठों से खिचड़ी।